ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर जनपद के फतवों की नगरी देवबंद नगर में शिक्षक नगर में सीए के समर्थन में बैठी 18 दिन से महिलाओं का मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है। आज सीए के पक्ष में बैठी महिलाओं को अपना समर्थन देने देवबंद आई साध्वी प्राची ने कहा कि दो दोस्त मिले तो हिंदुस्तान के अंदर बैठे गद्दारों के दिल जल उठे और उन्होंने दिल्ली में आग लगवा दी। उनका इलाज होना चाहिए, ऑन द स्पॉट उनका इलाज होना चाहिए। और वारिस पठान जो कहता है कि अभी हमारी शरणिया घर से निकली है, जो 500 रुपए के लिए और फ्री की बिरयानी खाने के लिए घर से निकलती है, वह शेरनी नहीं बकरियां होती है। और उन्होंने हिंदू महिलाओं से सीए के समर्थन में और ज्यादा समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और जिसके दो बच्चों से ज्यादा हो गए तो उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो वही देवबंद के ईदगाह में मैदान में सीए के खिलाफ 30 दिन से मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, दो मित्रों के दिल मिले और हिंदुस्तान के अंदर कुछ गद्दार बैठे हुए उनके दिल जल गए, उन्होंने दिल्ली में आग लगाई, उनका इलाज होना चाहिए। देश के गद्दारों का जब तक इलाज नहीं होगा एंड द स्पॉट उनका इलाज हो तो रास्ता अपने आप तय हो जाएगा। वारिस पठान के बारे में मैं क्या कहूँ, ये शरणिया होती है जो 500 के लिए फ्री की बिरयानी खाने के लिए, ये तो बकरियां है। शरणियों की परिभाषा वारिस पठान नहीं जान सकते। देखिए, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो अतिथि देवो भव की संस्कृति है और मोदी जी ने जो काम किया है वो पूरे विश्व में उनका सम्मान बढ़ा है। कुछ लोग हैं जो कि मोदी जी के इस प्रशंसा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और क्योंकि दो दोस्त आपस में मिले, दो दोस्त के दिल मिले और गद्दारों के दिल जले, उन्होंने दिल्ली को जलाया। अच्छा, वारिस पठाना कहना है कि हमारी अभी सैंडी बाहर निकली है, 15 करोड़ है, हम सब पर भारी पड़ेंगे, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वारिस पठान कान खोल करके सुन ले, 15 मिनट में जो लोग 15 करोड़ जो काम करेंगे ना, जरा हिंदुस्तान को जवाब दे इस बात का कि 100 करोड़ कितनी देर में करेंगे वो। जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे भाई? या तो पता नहीं उनको, इससे जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब पूरी तरह से क्लियर कर चुके कि किसी का कोई अहित नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन साथ भी पहले जो है तो गृह मंत्री का अलग बयान आया, प्रधानमंत्री जी का अलग है, विरोधाभास रहा दोनों के बयान में? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों ने कहा किसी के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हित में है। और जो हिंदुस्तान के हित में है तो फिर विरोध कैसा, क्यों विरोध करें? इसका मतलब सीधे सीधे वो देश के गद्दार है जो दिल्ली को जला रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, और उन पर कार्रवाई की भी मांग करूंगी बहन जी। देश सवाल है।